सही तो कहीं नहीं, 1888 से कॉस्मेटिक स्किन केयर एंड हेयर केयर प्रोडक्ट्स बना रहे इस हैं। ब्रांड की पहचान ही यही है कि ये हर्बल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं और इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी हाइप में भी रहते हैं। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स जैसे कि फेस वॉश या क्रीम्स वगैरह में ये अब ऐसे केमिकल्स या फ्रेग्रेंसेस ऐड करना शुरू हो गए हैं कि जो सेंसिटिव स्किन पे रिएक्ट कर जाते हैं। तो आज मैं इस ब्रांड के कुछ ऐसे ही फेमस प्रोडक्ट्स का रिव्यू कर रही हूँ। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। चलिए टाइम ज़ाया किए बिना रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सो हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो पहला प्रोडक्ट जो मैं रिव्यू करने जा रही हूँ वो है सईद वनी का रोज़ फेस वॉश। इसकी करंट प्राइस है 240 रुपीज़। तो जब मैंने ये ख़रीदा था तो इसकी प्राइस थी 200 रुपीज़। ये मैंने बाय किया था इम्तियाज़ सुपर मार्केट से और ये 240 रुपीज़ में 60 ml की ट्यूब आती है। इसकी जेल लाइक कंसिस्टेंसी है, यानी है कि पिंक कलर के जेल फॉर्म में आती है ये। इसकी फ्रेग्रेंस मुझे बहुत ही उम्दा लगी क्योंकि रोज़ पेटल्स की जो है ना खुशबू है इसमें, लेकिन आफ्टर वॉश ये सेंट बस थोड़ी देर के लिए ही स्टे करती है। इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी भी फेस के लिए काफ़ी रहती है। आफ्टर यूजिंग दिस फेस वॉश स्किन एकदम से सॉफ्ट एंड स्मूथ सी हो जाती है, लेकिन इसे यूज़ करने के बाद फेस पर एक स्टिकी या स्लाइमी सी फील रह जाती है, जैसे कि फेस वॉश सही से उतरा नहीं हो स्किन से। ये फेस वॉश क्लेम करता है कि ये स्किन को वाइटनिंग करता है और ग्लोइंग बनाता है। वाइटनिंग तो खैर बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन ये है कि इसे यूज़ करने के बाद स्किन ग्लोइंग फील होती है और ये स्किन को अच्छे से क्लीन भी कर देता है। अगर आपके फेस पर एक्ने हो तो ये उसे भी इरिटेट नहीं करता। तो ओवरऑल ये इतने अफोर्डेबल प्राइस में काफी अच्छा फेस वॉश है। तो अब बात करते हैं इसके अगले प्रोडक्ट की, जो है सईद वनी का रोज वाटर। इस रोज वाटर को मैं एज अ टोनर इस्तेमाल करती हूँ फेस पर और मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने पता नहीं कितनी इसकी बॉटल्स यूज कर ली अब तक। इसे मैं अपनी रेमेडी वगैरह में भी इस्तेमाल करती हूँ, इसी वजह से मैं ये बड़ी वाली बॉटल ले लेती हूँ। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत लाइट सी है रोज़ की। इसकी लाइट फ्रेग्रेंस होने की वजह से ये एक्टिव एक्ने वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसकी 200 ग्राम की बोतल आती है 400 रुपीज़ में, जो कि काफ़ी टाइम चल जाती है। तो अगर आपके चेहरे पे एक्टिव एक्ने है या फिर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो फिर आप इसे एज अ टोनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको कभी भी इरीटेट नहीं करेगा, ये स्किन को इरिटेट भी नहीं करेगा और स्किन का जो पीएच लेवल होता है उसको भी ये बैलेंस्ड रखता है। तो अब हमारा अगला प्रोडक्ट है ये सईद वनी का जाफरानी उबटन, जो कि 100 ग्राम मिलता है 255 रुपीज़ का। ये क्लेम करते हैं कि इसमें कोई हार्मफुल केमिकल वगैरह ऐड नहीं किए गए। इसके पैकेट पे जो इसके इंग्रेडिएंट्स मेंशन है वो है मुल्तानी मिट्टी, बेसन, टर्मरिक वगैरह, लेकिन इसका की इंग्रेडिएंट है ज़ाफ़रान। तो जैसे कि ज़ाफ़रान के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं कि ये स्किन को यंगर लुकिंग बनाता है, पोर्स को टाइटन अप करता है, एक्ने मार्क्स वगैरह को भी फेड आउट करता है। तो जी, इसके बाद हमारा अगला प्रोडक्ट है फेयरनेस उबटन। इसमें भी यही क्लेम किया जाता है कि इसमें कोई हार्मफुल केमिकल वगैरह ऐड नहीं किए जाते और ये स्किन को नेचुरली तरीके से सॉफ्ट बनाता है। इसके प्राइस भी सेम ही है, 255 रुपीज़ में ये 100 ग्राम का पैकेट आता है और इसमें भी ज़ाफ़रानी उबटन की तरह सेम इंग्रेडिएंट्स ही ऐड किए गए हैं, मुल्तानी मर्द, ग्राम फ्लावर, टर्मरिक पाउडर और फ्रेग्रेंसेस वगैरह। ये क्लेम करते हैं कि ये उबटन स्किन को सॉफ्ट एंड क्लियर बनाता है और नेचुरली तरीके से स्किन को फेयर करता है। तो जी हाँ, इनका दावा बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं उससे स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है और जो पिगमेंटेशन, एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम होती है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर अगला प्रोडक्ट जो मैंने उठाया है वो इनका खास संदल उबटन है। ये 238 रुपीज़ में 100 ग्राम मिलता है और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए हैं वो तो बहुत ही बेहतरीन है हमारी स्किन के लिए। लाइक इसके इंग्रेडिएंट्स हैं उबटन पाउडर, रोज़ा डेमेसिना, कुरकुमा लौंगा, आमंड फ्लावर और हुस्ने यूसुफ वगैरह, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो भी ये आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ऑयली स्किन वालों के लिए ये तो कमाल की चीज़ है। ये पोर्स में से तमाम ऑयल, डर्ट वगैरह को साफ कर देता है। ऑर्गेनिक हर्ब से बना हुआ है तो इसके जो है ना रिजल्ट्स मिलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन यह है कि इसके रिजल्ट्स ना लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। इसी वजह से मैं जो होम रेमेडीज़ होती है उन पे ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। इन तीनों उबटन पाउडर का तरीका सेम ही है, यानी है कि इसको पानी में मिलाकर आप अपने फेस पे इसको अप्लाई करें, 15 से 20 मिनट बाद इसको पानी से धो लें। बाकी ये है कि मैं इसे कैसे इस्तेमाल करती हूँ ये मैं वक्तन फवक्तन आपके साथ रेमेडीज़ शेयर करती रहूँगी, इसलिए मेरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वो बेहतरीन रेमेडीज़ मिलती रहें जो मैं वक्तन फवक्तन शेयर करती रहती हूँ। अच्छा, तो अब हमारे पास अगला प्रोडक्ट है सईद वनी की विटामिन सी ब्राइटनिंग एंड एंटी एजिंग क्रीम। इस क्रीम की प्राइस है 340 रुपीज़।
ये क्लेम करते हैं कि ये क्रीम स्किन को ग्लोइंग बनाती है, ब्राइटन अप करती है, मॉइस्चराइज करती है और स्किन पर से रिंकल्स वगैरह को ख़त्म करती है। अगर ब्राइटनिंग की बात की जाए तो हाँ, इसके मुसलसल इस्तेमाल से स्किन में ब्राइटनेस आती है, मगर ये फार्मूला क्रीम की तरह नहीं है जो एकदम से स्किन को बहुत वाइट एंड ब्राइट कर दे। इससे स्किन में ब्राइटनिंग इफेक्ट तो आता है मगर रेगुलर बेसिस पे यूज़ करने पर, और ये स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज भी कर देती है। तो जिनकी ड्राई स्किन है और रिंकल फाइन लाइंस वगैरह जिनका इशू है, उनके लिए क्रीम बहुत अच्छी है। इसका टेक्सचर बहुत लाइट सा है और ये जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। इस पे लिखा है कि ये फॉर ऑल स्किन टाइप है, पर समर में ऑयली स्किन वाले बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये फेस पर बहुत हैवी हैवी सी फील होती है और ऑयलीनेस भी क्रिएट कर देती है। बट ये विंटर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी क्रीम है। इसको एज अ मॉइस्चराइजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं विंटर्स में, जो स्किन को मॉइस्चराइज भी रखेगी और स्किन को ब्राइट भी करेगी। अब इसमें लिखा है कि ये स्किन को ग्लोइंग भी बनाती है, तो हाँ, ये स्किन को ग्लो भी प्रोवाइड करती है। ग्लो इस सेंस में कि ये स्किन को बहुत ज़्यादा ग्रीसी नहीं बनाती, लेकिन इसे अप्लाई करने के बाद एक शाइन सी आ जाती है स्किन पर और स्किन बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज भी हो जाती है। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत माइल्ड सी है जो स्किन को इरिटेट भी नहीं करती। अच्छा, इसमें शामिल इंग्रेडिएंट्स हैं विटामिन सी, ग्लिसरीन, शिया बटर और सोर्बिटॉल। विटामिन सी जो है वो हमारी स्किन को ब्राइटन अप करता है, और जो बाकी दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं ग्लिसरीन, शिया बटर या सोर्बिटॉल, ये एज अ एंटी एजिंग एजेंट के तौर पर काम करते हैं और हमारी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करने में काम आते हैं। अब जैसे कि इसमें जो सोर्बिटॉल ऐड किया गया है, इट इज़ अ नेचुरल ह्यूमेक्टेंट एज इट ड्रॉस वाटर इनटू द स्किन, सो सोर्बिटॉल इज स्पेशली गुड फॉर ड्राई एंड मैच्योर स्किन। इसमें शामिल विटामिन सी पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है और डार्क स्पॉट्स को लाइटन अप करता है। बट ऐसा मत सोचिएगा कि ये स्किन को एकदम से वाइटन अप कर देगी। ये क्रीम स्किन को क्लियर करती है, बट अगर आपके फेस पर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट्स हैं तो ये उसको बहुत ज़्यादा लाइट नहीं करेगी। हाँ, मगर ये रिंकल्स वगैरह को फेड आउट ज़रूर करती है। और जिनकी ड्राई स्किन है उनकी आंखों के नीचे अक्सर छोटी छोटी बारीक लाइन सी आ जाती है और रिंकल्स से बनने लगते हैं, फाइन लाइन्स होने लगती है, तो ये उसके लिए बहुत ज़बरदस्त क्रीम है। यानी जिनकी सुपर ड्राई स्किन है उन्हें ये समर में भी बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। अच्छा, इस क्रीम को अप्लाई करने के फ़ौरन बाद SPF लाजमी अप्लाई करिएगा। तो इसमें कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट शामिल नहीं किया गया है, तो ये ओवरऑल एक बहुत अच्छी क्रीम है। अब सबसे आखिर में हम बात करते हैं सईद गनी की इस संदल क्रीम के बारे में। तो ये क्रीम क्लेम करती है कि ये स्किन पे मौजूद पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स वगैरह को फेड आउट करती है, स्किन को हाइड्रेट करती है और ब्राइटन अप करती है। बेसिकली ये एक वाइटनिंग क्रीम है, लेकिन ये फार्मूला क्रीम जैसी नहीं है जो स्किन को एकदम से गोरा कर देती है। इसे अप्लाई करने के बाद ये कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ती और स्किन में जल्दी अब्सॉर्ब हो जाती है। इसका टेक्सचर रिच क्रीमी सा है, बट ये अप्लाई करने के बाद हैवी हैवी सी फील होती है। ये क्रीम मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी क्योंकि सेंसिटिव स्किन वाले या एक्नी प्रोन स्किन वाले तो बिल्कुल भी इसे यूज़ नहीं कर सकते। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि स्किन को इरिटेट कर देती है और सेंसिटिव स्किन वालों को बहुत ज़्यादा हार्श फील होती है। एंड इट कंटेन सम इंग्रेडिएंट्स विच आर बेड फॉर एक्नी प्रोन स्किन एंड एज वेल एज फॉर सेंसिटिव स्किन, लाइक प्रोपिल पैराबेन एंड मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल जो है वो पोर्स को क्लॉग कर देता है और प्रोपिल पैराबेन इज अ काइंड ऑफ प्रिजर्वेटिव। ये प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए एड किया जाता है, बट ये स्किन के लिए हार्मफुल कंसिडर किया जाता है। सो ये थी मेरी आज की ऑनेस्ट रिव्यू वाली वीडियो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर मेरी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपके साथ ऐसे ही इफेक्टिव रेमेडीज एंड ऑनेस्ट रिव्यूज शेयर करती रहूंगी। प्लीज मेरी हौसला अफजाई के लिए मुझे सपोर्ट करना मत भूलिएगा। तो मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में ऐसी किसी अच्छी सी रेमेडी या रिव्यू के साथ। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल। बाय, अल्लाह हाफिज़।